नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सतना में वन कर्मियों पर दर्ज की गई FIR को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सागौन की लकड़ी की चोरी की सूचना पर चोरों को पकड़ने पहुंची वन मंडल विदिशा के लटेरी परिक्षेत्र के वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। तब वन कर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किया और जान बचाने के लिए लटेरी थाने में शरण ली थी। लटेरी थाना पुलिस ने वन कर्मियों की रिपोर्ट नहीं लिखते हुए उल्टा वन कर्मियों पर बिना मजिस्ट्रियल जांच के 302-307 का मुकदमा दर्ज किया, जिसके विरोध में सतना वन मंडल के समस्त वन कर्मी अपनी बंदूकें जमा करने DFO कार्यालय पहुंचे। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई। ज्ञापन देने मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र प्यासी, प्रांतीय अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, संभागीय अध्यक्ष रमाशंकर त्रिपाठी, वन मंडल सतना के समस्त रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड सहित सैकड़ों की तादाद में वन अमला मौजूद रहा। सतना संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी सर, बताएं, आज आप लोग एकत्रित हुए हैं वन मंडल सतना पे, क्या कारण है? ये वन मंडल के अंतर्गत हमारे वन कर्मचारी साथियों द्वारा वन अपराध पकड़ने के दौरान स्थल में वन अपराधियों द्वारा हमला किया गया, जिसके एवज में कर्मचारी ने हवाई फायर किया। हवाई फायर के दौरान एक तो आदिवासी की मौत हो गई। किसकी गोली से मौत हुई, कैसे हुई, इसकी कोई जांच नहीं की गई और सीधे FIR दर्ज कर दी गई है। FIR जबकि पूर्व में भी शासन के ऐसे आदेश थे कि जब तक जांच मजिस्ट्रेटिक नहीं हो तब तक कोई वन कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन उसको अनदेखी किया गया, जिससे हम मध्य प्रदेश के सभी रेंज ऑफिसर, डिप्टी रेंजर, वनपाल, वन रक्षक इससे बहुत हताहत है। और जो बंदूक हम लोग को सुरक्षा के लिए दी गई है केवल शासन का एक ढोल है। ये बंदूक केवल डंडा है, ना कि गोली चलाने का कोई आदेश है हमारे पास, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। आज यह बंदूक जमा करके हम सभी वन कर्मचारी निहत थे, वनों की सुरक्षा करें। जी सर, बंदूकें जमा कर रहे हैं आप, क्या कारण है? गत दिवस जो है विदिशा जिले के लटेरी वन परिक्षेत्र में रात्रि के समय जो वन सुरक्षा के दौरान वन अमले के द्वारा जो है कि अपने आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई गई, हवाई फायर किया गया, जिसमें भी एक आरोपी जिसके विरुद्ध जो है कि 10 से ज़्यादा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध है, उसकी मौत हो गई और 2-4 में घायल हो गए। इस घटना के दौरान जो है कि बिना, जबकि अपने को वन कर्मचारी अधिकारियों को CRPC धारा 197 के तहत सुरक्षा प्राप्त, जब तक आपकी न्यायिक जांच नहीं होती है उसके बाद ही कोई आपको FIR दर्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब नियम कानून को दरकिनार करते हुए जो है विदिशा जिले में जो है कि वन कर्मचारी पर FIR दर्ज की गई, उनको गिरफ्तार किया गया और सस्पेंड किया गया है। इसके विरोध में जो है कि मेरे मध्य प्रदेश राज्य एसोसिएशन का आह्वान है, सभी रेंजर्स और मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ का आह्वान है, अन्य संगठन भी हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग जो है आज जितने हमें रिवाल्वर, बंदूकें वगैरह वन सुरक्षा प्रदान की गई हैं, इसे रखने क्या उचित थे। अगर सर एक बताएं, आप लोग बंदूकें क्यों जमा कर रहे हैं? विदिशा जिला के लटेरी गांव में वन सुरक्षा के दौरान अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई थी हवाई फायर, जो एक अपराधी को लग गई, वो ख़त्म हो गया, जबकि शासन के आदेश हैं कि बिना मजिस्ट्रियल जांच के कोई भी कार्रवाई न की जाए, उसके ऊपर FIR कर दी गई और 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके विरोध में हम लोग सत्र जमा कर रहे हैं। सत्र रखने का उचित ही क्या, जब हम विषम परिस्थिति में भी नहीं चला सकते हैं तो हमें सत्र रखने की शौक नहीं है, हमें फालतू नहीं ढोना, इसलिए हम सब जमा कर रहे हैं। जब तक शासन हमें विशेष अधिकार नहीं देगी तब तक हम सत्र नहीं। मांगे क्या हैं आपकी? मांगे हमारी यही हैं कि बिना मजिस्ट्रियल जांच के और कोई भी कार्रवाई न की जाए। जी जी, शासन के आदेश हैं। तो ये आंदोलन आपका पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। जी जी, सभी जगह जमा कर रहे हैं, चल रहा है। कई संगठन साथ में हैं, जैसे वन एवं वन प्राणी संगठन हो गया और कई संगठन हैं, कर्मचारी मंच है, जी जी जी, रेंजर एसोसिएशन है। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं लेता हूँ नरेंद्र कुमार प्यासी, किस पद? कर्मचारी मंच जिला अध्यक्ष।